हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंजस्टिस 2 की हम करेक्टर कस्टमाइजेशंस को और मल्टीवर्सेस को हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ फाइल्स दूंगा जो कि आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके उसको आप अनलॉक कर सकते हैं पूरी गेम को। तो कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की, क्योंकि मैं कुछ ऐसे बताने वाला हूँ आगे जो कि आपकी गेम को बचा सकता है, वरना आप गेम को करप्ट कर बैठेंगे। दोबारा आपको 60-70 GB की गेम दोबारा आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसीलिए पहले वीडियो देख लें, उसके बाद आप भागिएगा, डाउनलोड करेगा और एंजॉय करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हम फाइल्स वाला फोल्डर खोलेंगे पहले हम, ठीक है, ये हमारे किसी काम के नहीं है। दो हमारे फोल्डर काम के हैं, पहले पहले स्पीड में हम स्पीड रन में काम करेंगे। पहले पहले इंजस्टिस 2 कोडेक्स एमुलेटर का फोल्डर है, ठीक है, यहाँ से हमने फाइल्स उठानी है। यहाँ से फाइल्स उठाकर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पर आपने गेम इंस्टॉल की हुई है इंजस्टिस 2, उसके बाइनरी डिटेल के फोल्डर में जहाँ पर आपका लॉन्चर है, ठीक है, इसी जगह पर सबसे पहले आपने इस गेम्स को आपने गेम्स का बैकअप बना लेना है, ठीक है। यही बात मैंने आपको बतानी थी कि आपने गेम का बैकअप बना लेना है, किसी और फोल्डर में इसको कॉपी कर लेना है। ये ना हो पेस्ट करते वक्त आपकी गेम इस वर्जन के साथ मैच ना करे और गेम करप्ट हो, जिस वजह से पहले इन फाइल्स को आपने कॉपी करके बैकअप बना लेना है, किसी और फोल्डर में कॉपी कर लेना है, फिर उसके बाद इन फाइल्स को यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट करके रखा हुआ है, तो आप इसलिए मैं रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है, तो हमने दूसरे फोल्डर में जाना है। ट्वाइलाइट ऑफ सुपर हीरोज़ का फोल्डर है, ठीक है, कोटेक्स है, और ये फोल्डर है 627270, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है सी के अंदर, यूजर्स, पब्लिक, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड स्टीम कोटेक्स, ठीक है। तो ये फोल्डर है, यहाँ पर आपके ज़्यादा फोल्डर हो सकते हैं, नंबर वाइज होंगे, और आपने इसी फोल्डर को जो आके आपने वहाँ से कॉपी किया था 627270 वाला, इसको आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करके आपने इसको जो आपने कॉपी किया इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। पेस्ट करने के बाद हमारा काम डन हो चुका है, हमारी गेम मॉडिफाइड हो चुकी है, जो कि अनलॉक हो चुकी है, सॉरी। तो हम चलते हैं गेम की तरफ, देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारी गेम वर्क कर रही है, ठीक है, हमारी गेम करप्ट नहीं होगी, तो होप कि आपके आप सबकी गेम भी अच्छे से वर्क करेगी। तो हम चेक करते हैं कि सब कुछ अनलॉक हुआ है कि नहीं, अपडेटिंग डेटा हो रहा है। और सबसे पहले करेक्ट कस्टमाइजेशन में जाते हैं, तो बूम, देखें सारा कुछ अनलॉक हो चुका है। यहाँ पे बैटमैन को देखते हैं, बैटमैन की आउटफिट देखते हैं, आ जा भाई, आ गया, ठीक हो गया, ये सारा कुछ अनलॉक हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करना है, सिंगल प्लेयर मल्टीवर्स के अंदर हम देखते हैं, तो ये मल्टीवर्सेस भी हमारी अनलॉक हो गई खड़ी है सारी। सिंगल फाइट, ये देखेंगे, ये सुपरमैन, प्रेस ए करो, और ये देखो हर तरह की आउटफिट है, हर तरह कस्टमाइजेशन है। और वहाँ अपने कस्टमाइजेशन में जाके आप इसको मजीद भी चेंजिंग कर सकते हैं, फेस, आउटफिट, जो भी आपने चीज़ें चेंज करनी है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वॉच करने के लिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और फ्यूचर वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है और बेल आइकन को दबाएगा। थैंक यू सो मच।